मैं एडवोकेट दिनेश गौतम, पेशे से वकालत करता था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय से ही नन्ना जी के आंदोलन में मैं जुड़ा और जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं सांसद का चुनाव करूंगा, परंतु चूंकि अन्ना जी के आंदोलन से जुड़ चुका था और उसमें आंदोलन रद्द था, परंतु कांग्रेस जो कि केंद्र में सत्तासीन पार्टी थी उसने ये कहा कि लोकपाल बिल को पास कराना है, कानून बनाना है, तो चुनाव लड़के आ जाओ। तो हमारे नेतृत्वकर्ता लोगों ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और उसके बाद राजनीतिक दल का गठन किया। साथ साथ मैं भी उसमें जुड़ा रहा। बाराबंकी जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ, उसमें मैं जिला संगठन संयोजक का उत्तरदायित्व तो लिया और उसका आज तक निर्वहन करता चला रा रहा था। कुटीर उद्योगों पर पुरजोर बढ़ावा दूंगा, मत्स्य पालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, ये तमाम सारे ऐसे उद्योग हैं, क्षेत्र हैं जिन पर काम करके बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। शिक्षा तो बहुत ही भारत की दूषित होती चली जा रही है। आज से 75 साल 80 साल पहले कक्षा 8 पास व्यक्ति आज के एमए से बेहतर हुआ करता था। तो यहाँ के नेताओं ने शॉर्टकट तरीका निकाल लिया। वो ये निकाला कि कक्षा 8 तक किसी स्टूडेंट को फेल ही न करो। सोचने वाली बात है कि जो बच्चा कक्षा 8 तक फेल होगा नहीं, फेल होने का उसके दिमाग में डर ही नहीं, तो पढ़ेगा क्या? तो परिणाम ये होगा कि एक महीने दो महीने बाद वो शिक्षा से विमुख हो जाएगा, शिक्षा छोड़ देगा। तो जहाँ पर हम थे वहीं पर रहे। तो नेता चूंकि यहाँ के चाहते हैं कि 90% आबादी मूर्ख बनी रहे, अशिक्षित बनी रहे, उचित अनुचित का निर्णय न ले सके जिससे उनकी राजनीतिक दुकान चला करे। जैसे कि आज के डेट में भी दिखावा के लिए काम होता है। जैसे उदाहरण के लिए 1 किलोमीटर की सड़क पास हुई और मान लीजिए कि उसका बजट 1 लाख में पास हुआ, तो होता यह है कि वो जिस भी कोटे से 1 लाख रुपया निकल रहा है उसका 30 से 40% तो संबंधित विभाग का मंत्री ले लेता है, विधायक ले लेता है, सांसद लेता है। तो उसके नीचे ठेकेदार भी हैं, जेई भी हैं, वो सब कैसे सड़क दुरुस्त करवा सकते हैं? सही नहीं हो सकता। 100% का नहीं मतलब उस पर नहीं लग सकता है। तो नहीं लगेगा तो उसकी जो एक निश्चित आयु है 5 वर्ष या 4 वर्ष जो भी उसकी आयु निश्चित होगी वो उतने दिन नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो फिर आने वाले दिनों में जल्दी फिर उसके लिए दोबारा बजट पास होगा। तो जहां वो पैसा मेरे दूसरे विकास में लगना चाहिए था वहां न लग करके दोबारा वहीं लग रहा है जहां पर पहले लगा था। महिलाओं के लिए विशेषकर ज्यादा से ज्यादा महाविद्यालय खुलवाए जाएंगे, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के महिलाओं के लिए, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं में दूर तक जाने पर ज्यादा वो प्रतिबंध होता है, पर्दा प्रथा भी ज्यादा भी है। तो चूंकि नियरेस्ट जगह पर महाविद्यालय होगा तो वो भी उच्च शिक्षा हासिल कर सकती हैं और उच्च शिक्षा हासिल करेंगी तो वो भी हमारे विकास में सहयोग देंगे। सबसे पहले तो मैं टोटल ऑफिशियल व्यवस्था सुधारने की कोशिश करूंगा। एक सांसद की हैसियत से मालिक मुझे ये पद देते हैं तो मैं ऑफिशियल व्यवस्था सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो भी ऑफिस बने हुए हैं, जिस सुविधा के लिए बने हुए हैं, जिस कार्य के लिए बने हुए हैं, वो जिस उससे जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ये व्यवस्था सुधर जाती है तो सीधे उनको लाभ मिलने लगेगा। और लाभ मिलने लगेगा तो मैं समझूंगा कि 50% तो मैं समस्या वहीं से हल कर लूंगा। उसके बाद 15 साल में भारत बाराबंकी क्षेत्र में सांसद और विधायक जो भी हुए हैं वो क्या विकास किए हैं इसकी जाँच कराई जाएगी, और जांच कराने के बाद इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें जो भी और सुधारात्मक काम हो सकता हो किया जी। वोटर हमारा अभी उचित अनुचित नहीं जानता है। सबसे प्लस तो यही है, ज्यादातर हमारी ये भी संख्या भी है, मेरा अनुमान है कि 20 से 30% वोटर उचित अनुचित ही नहीं जानता है। वो क्या जानता है? ये कमल का फूल है, ये पंजा है, और ये हाथी है, और ये साइकिल है, ये चार, तो ये चार ही जानता है। और वो जिस भी जाति धर्म से जुड़े हुए हैं बस उसमें वो वोट कर देते हैं, उचित अनुचित नहीं जानते हैं। उनको ये बताना है कि ये राजनीतिक पार्टियां अब तक करती क्या थी। हमें उचित अनुचित जानने के लायक बनाई ही नहीं, क्योंकि वो उनका यूज करते रहेंगे। तो मेरा ये ध्यान रहेगा कि उन लोगों को उचित बताया जाए कि राजनीतिक पार्टियां हमारी हितैषी है या हमें मूर्ख बना रही है।